एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग अब्रैकस। आई होप कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगे और आपने सारी चीजें जो मैंने सिखाई है अभी तक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिंगल डिजिट में सभी कॉम्प्लीमेंट में लेवल वन की कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज मेरी लेवल वन की लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कराऊंगी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाली है और बहुत ही आपको समझ आएगा जिसे सारे कॉम्प्लीमेंट्स के बीच में डिफरेंस। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बताया भी था इंट्रोडक्शन में कि अबेकस बच्चों के लिए जरूरी क्यों है। देखिए, अबेकस से सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही सीख रहे हैं, नहीं, बल्कि अबेकस से आप क्या है अपने माइंड को भी डेवलप कर रहे हैं हर तरीके से, जिससे आपको क्या है, जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर आजकल मैथ को लेकर बहुत बड़ा फोबिया है कि मैथ में हमें इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो सब क्या है दूर होती है पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज होती है अबेकस करने से, क्योंकि इसमें क्या है पहले हम टूल के थ्रू सिखाते हैं फिर विजुअलाइजेशन सिखाते हैं, जिससे कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर इम्प्रूव होती है। तो प्लीज आप जरूर से जरूर अबेकस सीखिए, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो अभी आप छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं पहले, उसके बाद हम धीरे धीरे क्या है बड़ी चीजों पर आएंगे, जैसे बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन है, डिविजन है, इस तरह से। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अबेकस में किया क्या था। सबसे पहले मैंने आपको टूल दिखाया था, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताई थी कि ये बीड्स होती हैं, ये वैल्यू बार होती है, जिसके पास हमें बीड्स लेके जानी होती है उतनी ही वैल्यू होती है। उसके बाद हमने सबसे पहले किया था विदाउट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जिसमें हमने कोई कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं किया था, सिर्फ वंस रोड पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने करके देखा था। ओके, जैसे कि ये क्या है 1 2 3 4 और 5 करने के लिए 5 5 + 4 9, तो इस तरह से हमने सीखा था। जैसे अभी मैं आपको कुछ दो एग्जांपल लेके दिखाती हूँ विदाउट कॉम्प्लीमेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। क्या है, मेक 2 + 6 डायरेक्ट, विदाउट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है सब चीजें डायरेक्ट होती है वंस रोड पर। -1 आपको किससे करना है, आपकी इंडेक्स फिंगर से डाउन करना है। +-6 -6 करने के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे। +3, अब +3 हमारा क्या हो रहा है डायरेक्ट, जो हमें थंब से लोअर बीट को क्या करना होता है अप, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेक 3 यानी 1 2 3 बीट्स अप, +6 डायरेक्ट, -2 डायरेक्ट, -6 क्या हो रहा है आपका डायरेक्ट, +5 डायरेक्ट, आंसर विल बी 6। अब हम आते हैं +5 कॉम्प्लीमेंट और -5 कॉम्प्लीमेंट पर। अब कॉम्प्लीमेंट यूज कब किया जाता है, जब आपके पास बीड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 है, ऐड करना है आपको कोई भी 1 2 3 4 कोई भी नंबर प्लस करना है, तो जब आपके पास बीड्स अवेलेबल नहीं है तो हम किसका यूज करते हैं 5 का, तो हमें क्या लगाना पड़ता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट यूज कब होते हैं, यूज When beads are not available for adding and subtract, ठीक है, तो आपको beads जब नहीं available तो आपको क्या लगाना है 5 कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले देखिए 5 में मैंने आपको फ्रेंड्स बताए थे, 1 इज फ्रेंड ऑफ 4, 2 इज फ्रेंड ऑफ 3, 3 इज फ्रेंड ऑफ 2 एंड 4 इज फ्रेंड ऑफ 1, ठीक है, यानी कि 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5 एंड 4 + 1 5। अब उसके बाद जब आपको एड 1 करना है, देखिए कैसे करेंगे हम beads पर, एड 1 करना है, मान लीजिए आपके पास 4 अवेलेबल है बीड्स, अब 1 करना है प्लस, तो क्या करोगे, नहीं है तो हम 5 का यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं, +5 - 4, ठीक है, ये हुआ एड 1। अब हमें करना है एड 2, तो 2 एड करने के लिए हम क्या करेंगे, +5 - 3, ठीक है, ये हो गया 2 प्लस, उसके बाद हम करते हैं 3 एड करना है, +5 - 2, बिकॉज 2 इज फ्रेंड ऑफ 3। नेक्स्ट है +4 करना है, अब आपको +4 करने के लिए 4 इज फ्रेंड ऑफ 1, +5 - 1, इस तरह से आपका क्या होता है +5 कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, ठीक है। जब हमारे पास अब क्या है -5 कॉम्प्लीमेंट, अब आपके पास मान लीजिए 5 अवेलेबल है, माइनस करना है आपको 1 2 3 4, लेकिन लोअर बिट्स पर यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल है 5, -5 कॉम्प्लीमेंट
लगाएंगे, माइनस फाइव कॉम्प्लीमेंट में भी आपको वही फ्रेंड्स वन रखने हैं, और उसके बाद यूज कैसे करना है, जब करना है सब्ट्रैक्ट वन, सब्ट्रैक्ट वन करने के लिए वन इज फ्रेंड ऑफ फोर, तो फोर कर देंगे अप, फाइव कर देंगे अप, यानी कि जब माइनस करना होता है तो बीट्स क्या जाती हैं आपकी अप अप, और जब प्लस करना होता है तो बीट्स क्या जाती हैं आपकी डाउन डाउन, ऐसे प्लीज याद रखिए अप अप एंड डाउन। अब आते हैं माइनस टू पर, तो मान लीजिए आपके पास फाइव अवेलेबल है, करना है माइनस टू, टू इज फ्रेंड ऑफ थ्री, थ्री अप फाइव अप, क्योंकि नेक्स्ट है आपके पास माइनस थ्री, थ्री इज फ्रेंड ऑफ टू, टू अप फाइव अप, नेक्स्ट माइनस फोर, फोर इज फ्रेंड ऑफ वन, वन अप फाइव अप, ठीक है, इस तरह से आपको फाइव कॉम्प्लीमेंट लगाना है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, आइए अभी प्लस फाइव एंड माइनस फाइव कॉम्प्लीमेंट की कुछ सम मैं आपको करा के देती हूं। मेक नाइन माइनस फाइव, माइनस फाइव आपका डायरेक्ट हो रहा है, प्लस करना है टू, अब हमारे पास टू अवेलेबल नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस करना है तो प्लस कॉम्प्लीमेंट, टू इज फ्रेंड ऑफ थ्री, तो फाइव डाउन थ्री डाउन, प्लस वन हो गया डायरेक्ट, आंसर विल बी सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक सिक्स डायरेक्ट, प्लस थ्री डायरेक्ट, माइनस फाइव डायरेक्ट, अब करना है प्लस फोर, फोर इज फ्रेंड ऑफ वन, तो फाइव डाउन वन डाउन, आंसर विल बी एट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक फाइव माइनस टू, अब करना है माइनस टू, यानी कौन सा कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, माइनस फाइव कॉम्प्लीमेंट, टू इज फ्रेंड ऑफ थ्री, यानी थ्री अप फाइव अप, ठीक है, बीट्स क्या जाएंगी अप अप, प्लस वन डायरेक्ट, प्लस वन, अब फिर से क्या लग रहा है हमारा, प्लस फाइव कॉम्प्लीमेंट, वन इज फ्रेंड ऑफ फोर, तो फाइव डाउन फोर डाउन, माइनस थ्री, अब कौन सा कॉम्प्लीमेंट लग रहा है हमारा, माइनस थ्री करने के लिए फाइव अवेलेबल है तो माइनस फाइव कॉम्प्लीमेंट, थ्री इज फ्रेंड ऑफ टू, देन क्या हो जाएगा हमारा, टू अप फाइव अप, आंसर विल बी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक एट डायरेक्ट, माइनस थ्री डायरेक्ट, माइनस टू, माइनस टू करने के लिए फाइव अवेलेबल है, माइनस फाइव कॉम्प्लीमेंट, टू इज फ्रेंड ऑफ थ्री, तो फ्रेंड को हम क्या कर देंगे अब, फाइव को कर देंगे अब, क्योंकि माइनस कॉम्प्लीमेंट है, प्लस थ्री, अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो प्लस फाइव कॉम्प्लीमेंट, थ्री इज फ्रेंड ऑफ टू, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस फाइव माइनस टू डाउन डाउन, प्लस थ्री, अब डायरेक्ट हो रहा है, आंसर विल बी नाइन। तो ये थे आपके माइनस फाइव एंड प्लस फाइव कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब हम करते हैं प्लस टेन एंड माइनस टेन कॉम्प्लीमेंट। टेन में भी आपको फ्रेंड्स लर्न करनी होंगी, वन इज फ्रेंड ऑफ नाइन, टू इज फ्रेंड ऑफ एट, थ्री इज फ्रेंड ऑफ सेवन, फोर इज फ्रेंड ऑफ सिक्स, फाइव इज फ्रेंड ऑफ फाइव, सिक्स इज फ्रेंड ऑफ फोर एंड सेवन इज फ्रेंड ऑफ थ्री, एट इज फ्रेंड ऑफ टू एंड नाइन इज फ्रेंड ऑफ वन। तो जैसे नाइन प्लस वन टेन, टू प्लस एट टेन, इस तरह से ये हमारे क्या है, फ्रेंड्स चलते हैं। इनको लर्न करने से क्या होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपकी फास्ट कैलकुलेशन होने लगती है। जैसे कि अब एड वन करना है, जब हम टूल पर करेंगे तो आपको क्या लर्न रखना है, जब प्लस वन करना है तो माइनस नाइन प्लस टेन। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर नाइन है, अब हमारे पास कोई बीट्स अवेलेबल नहीं है और अब आ गया एड वन, तो प्लस वन करने के लिए हम क्या करेंगे, आप नेक्स्ट रोड पर जाएंगे जो कि हमारी क्या है, टेंथ रोड, ठीक है। टेन की मैंने बताई थी आपको यूज कैसे करनी है, इस रोड को हमारी दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर से चलानी है, तो यानी कि आपको क्या करना है, माइनस नाइन प्लस टेन, ठीक है, माइनस नाइन प्लस टेन, तो ये हो जाता है एड वन। ऐसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर नाइन है, करना है प्लस टू, प्लस टू करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस एट प्लस टेन, ठीक है, फिर ऐसे ही आगे नाइन अवेलेबल है, प्लस थ्री करना है, थ्री के लिए माइनस सेवन प्लस टेन, फोर करने के लिए माइनस सिक्स प्लस टेन, नेक्स्ट है मान लीजिए अब करना है प्लस फाइव, फाइव इज फ्रेंड ऑफ फाइव, तो फाइव ऑफ टेन ऑफ, प्लस सिक्स, सिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, प्लस सिक्स, सिक्स करने के लिए माइनस फोर प्लस टेन, ऐसे ही प्लस सेवन करने के लिए माइनस थ्री प्लस टेन, नेक्स्ट है प्लस एट, एट इज फ्रेंड ऑफ टू,
प्लस टेन माइनस टू प्लस टेन। नाइन करने के लिए नाइन इज फ्रेंड ऑफ वन माइनस वन प्लस टेन। तो इस तरह से आपको क्या है प्लस टेन कॉम्प्लीमेंट यूज करना है। सेम ऐसे ही आ जाइए माइनस टेन कॉम्प्लीमेंट पर, आ जाइए माइनस टेन कॉम्प्लीमेंट पर। माइनस टेन कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको सबसे पहले बताती हूँ फिंगर आपको कौन सी यूज करनी है। बताया मैंने आपको पहले भी इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर से आपको ये वाली रोल चलानी होती है, ठीक है। माइनस टेन करना है, मान लीजिए आपके पास टेन अवेलेबल है बट इस रोल पर एक भी बिट अवेलेबल नहीं है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे टेन के पास, ठीक है। तो वहां पर हम लगाएंगे माइनस टेन कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमें करना है माइनस वन, वन इज फ्रेंड ऑफ नाइन, नाइन प्लस यानी माइनस टेन प्लस नाइन। आइए अब हम करते हैं माइनस सिक्स, माइनस सिक्स करने के लिए हमारे पास टेन अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे माइनस टेन प्लस फोर, ठीक है। ऐसे है माइनस नाइन, अब हमारे पास टेन अवेलेबल है करना है माइनस नाइन, नाइन इज फ्रेंड ऑफ वन माइनस वन, ये आपका हो जाएगा माइनस टेन प्लस वन, ठीक है माइनस टेन प्लस वन। इस तरह से आपको क्या है माइनस टेन कॉम्प्लीमेंट लगाना है। आइए अब इसकी कुछ सम देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मेक टू प्लस नाइन, नाइन करने के लिए इस बिट पर इस रोड पर एक भी बिट अवेलेबल नहीं है, आ जाइए टेन रोड पर। टेन रोड पर लगाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा प्लस टेन कॉम्प्लीमेंट, नाइन इज फ्रेंड ऑफ वन तो माइनस वन प्लस टेन, प्लस फाइव डायरेक्ट, प्लस फोर, फोर इज फ्रेंड ऑफ सिक्स यानी कि माइनस सिक्स प्लस टेन, आंसर विल बी ट्वेंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेक सेवन डायरेक्ट प्लस फाइव, फाइव इज फ्रेंड ऑफ फाइव, माइनस फाइव प्लस टेन, प्लस फाइव, प्लस फाइव डायरेक्ट, फिर से प्लस फाइव यानी कि फिर हमारा प्लस टेन कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, माइनस फाइव प्लस टेन, फाइव अ टेन, आंसर विल बी टू ट्वेंटी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन मेक फोर डायरेक्ट प्लस वन, प्लस वन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है फाइव अवेलेबल है यानी कि फाइव कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं, तो वन इज फ्रेंड ऑफ फोर, प्लस फाइव माइनस फोर, प्लस फाइव, प्लस फाइव करने के लिए बिट्स अवेलेबल नहीं, टेन पर जाएंगे माइनस फाइव प्लस प्लस टेन माइनस थ्री। अब थ्री के लिए हमारे पास नहीं है तो हमारे पास हमें क्या कहाँ जाना पड़ेगा टेन के पास, अब क्या लगाएंगे माइनस टेन कॉम्प्लीमेंट, थ्री इज फ्रेंड ऑफ सेवन तो माइनस टेन प्लस सेवन, प्लस फोर, प्लस फोर करने के लिए फिर से बिट्स अवेलेबल नहीं है तो प्लस टेन कॉम्प्लीमेंट लगाइए, प्लस टेन कॉम्प्लीमेंट लगाने के लिए फोर इज फ्रेंड ऑफ सिक्स तो माइनस सिक्स प्लस टेन, टेन और वन यानी कि इलेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेक फाइव माइनस टू, माइनस टू करने के लिए हमारे पास नहीं तो फाइव के पास जाएंगे यानी कि माइनस फाइव कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, फाइव टू इज फ्रेंड ऑफ थ्री तो प्लस थ्री माइनस फाइव प्लस सेवन, अब सेवन करने के लिए बीट्स अवेलेबल नहीं है तो आप टेन के पास जाएंगे यानी कि प्लस टेन कॉम्प्लीमेंट, प्लस टेन कॉम्प्लीमेंट हमें क्या करना है प्लस सेवन, सेवन करने के लिए हमें क्या करना है माइनस थ्री प्लस टेन, प्लस वन डायरेक्ट, प्लस टू डायरेक्ट, वन यानी कि टेन और थ्री थर्टीन। इस तरह से आपको यूज करना है प्लस टेन और माइनस टेन कॉम्प्लीमेंट। आइए अब करते हैं हम मिक्स कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब हम आते हैं मिक्स कॉम्प्लीमेंट पर, ठीक है। जब हमारे पास टेन और फाइव इस कोई भी बीट्स अवेलेबल नहीं होती एड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए नंबर सिक्स सेवन एट और नाइन यानी कि मिक्स कॉम्प्लीमेंट यूज स्पेसिफिकली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नंबर सिक्स सेवन एट एंड नाइन, तो ना आप डायरेक्ट कर सकते ना ही टेन और फाइव कॉम्प्लीमेंट से लगा सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है मिक्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि टेन और फाइव दोनों का यूज करके क्या करने पड़ते हैं नंबर एड और सब्ट्रैक्ट, उसे बोलते हैं हम मिक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले मिक्स कॉम्प्लीमेंट में कॉम्बिनेशन सिखाए जाते हैं, ठीक है। सिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड फाइव, सेवन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड फाइव, एट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एंड फाइव एंड नाइन इज कॉम्बिनेशन ऑफ फोर एंड फाइव। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको याद होंगे उसके बाद आप एड एंड सब्ट्रैक्ट इजीली कर लेंगे, जैसे कि अगर हमें करना है प्लस सिक्स तो हमें क्या करना है वन अप फाइव अप एंड टेन अप,
ठीक है, 10 को भी क्या करेंगे आप, यानी कि जब प्लस 6 करना है तो मिक्स कॉम्प्लीमेंट में बीट्स क्या करनी है आप अप, ठीक है। 7 प्लस करना है तो देखिए, मान लीजिए आपके पास 5 अवेलेबल है, हमें करना है ऐड 6। 6 ऐड करने के लिए 1 अप, 5 अप, 10 अप, ठीक है। ऐसे ही अब है प्लस 7, 7 करने के लिए क्या करेंगे प्लस 2, यानी कि 2 अप, 5 अप एंड 10 अप। प्लस 8 करना है, प्लस 8 करने के लिए प्लस 3, प्लस 5, प्लस 10, प्लस 3 माइनस 5 प्लस 10, यानी बीट्स क्या हुई आप अप। ऐसे ही 9 के लिए, 9 इज फ्रेंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एंड 5, तो 4 अप, 5 अप, 10 अप, ठीक है। इस तरह से आपको करना है प्लस मिक्स कॉम्प्लीमेंट। अब करते हैं हम माइनस मिक्स कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या करना है, मान लीजिए आपके पास 10 और 11 अवेलेबल है, करना है माइनस 6। माइनस 6 करने के लिए बीट्स पे जाएंगे आपकी जो भी इसका कॉम्बिनेशन है 1 एंड 5, कॉम्बिनेशन ऑफ 6, तो 1 डाउन, 5 डाउन, 10 डाउन। कैसे देखिए, 10 डाउन, 1 डाउन और 5 क्या करना है डाउन, तो ये हो गया हमारा माइनस 6। अब है हमारा माइनस 7, क्या करेंगे माइनस 10 प्लस 5 माइनस 2। ऐसे ही अब करेंगे हम माइनस 8। माइनस 8 करने के लिए माइनस 10, 8 इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 5, तो 3 डाउन, 5 डाउन, ठीक है। तो बीट्स क्या गई सारी डाउन डाउन। ऐसे ही आपका 9 में जाएगा, 9 इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एंड 4, तो माइनस 10 प्लस 5 माइनस 4। तो इस तरह से आपको करने हैं मिक्स कॉम्प्लीमेंट। तो आज हमने लेवल 1 की लास्ट क्लास डिस्कस करी है, जिसमें मैंने लेवल 1 का पूरा कोर्स आपको दोबारा से रिवाइज करवाया है। तो आप इसकी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे पूरा एक पेपर के रूप में, ठीक है। वो पेपर आप करिए और उसके जो आंसर है प्लीज कमेंट में, ठीक है, कि कितना आपने सही किया, कितने आपके मार्क्स आए। तो मैं उसका पेपर डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से निकालिए और उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप लेवल 2 पर आइएगा, ठीक है। और बाकी की अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो उसकी पिछली वीडियो आप आई बटन से क्लिक करके ले सकते हो और वो देखिए और सीखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अपना डबल डिजिट का सेकेंड लेवल।